तो दोस्तों फाइनली पीजीएमआई इंडिया ने अपना एक न्यू एनएफओ लॉन्च कर दिया। इनका जो एनएफओ रहेगा वो हेल्थ केयर फंड के नाम से लॉन्च किया गया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इनके एनएफओ का डिटेल्स रिव्यू करने वाले, जैसे कि ये एनएफओ कब ओपन होगा, कब ये एनएफओ क्लोज होगा, कितने अमाउंट से आप इस एनएफओ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, इस एनएफओ के अंदर कौन सी कंपनियां पिक की जाएगी, अगर आप इस एनएफओ के अंदर अप्लाई करते हैं तो कितने पैसे आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने होंगे, एंड अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके अंदर जो भी कंपनियां रहेगी फ्यूचर्स में उनका ग्रोथ पोटेंशियल कितना रहने वाला है। इसके साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे कि अगर आप इस एनएफओ के अंदर अप्लाई करते हैं तो आपको एक्सपेक्टेड जो रिटर्न्स रहेंगे वो कितने मिल जाएंगे, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल्स में जानने वाले हैं। फिर भी अगर इस वीडियो के अंदर कोई टॉपिक छूट जाता है, कुछ चीजें आपको नहीं समझ आ रही, तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा चंद में रिप्लाई देने की। तो किसी भी एनएफओ का डिटेल एनालिसिस करने के लिए हम लोग एक वेबसाइट की मदद लेते हैं जिसका नाम है moneymintidea.com। तो आपको गूगल में आना, देन moneymintidea सर्च करना। जैसे आप moneymintidea यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाला वेबसाइट आ जाएगा। यहाँ पे देखिए न्यू एनएफओ फंड आपको दिखेगा, आपको इसके ऊपर सिंपल सा यहाँ पे देखिए क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए हम न्यू एनएफओ फंड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे भी देखिए आपको पीजीएमआई इंडिया हेल्थ केयर देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ नहीं मिलता तो यहाँ पे देखिए पीजीएमआई इंडिया हेल्थ केयर, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आप इस पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे इस एनएफओ से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यहाँ पे अगर हम लोग स्कीम के टाइप की बात करें तो उसके बारे में हमें बताया जाता है। तो ये स्कीम एक ओपन एंडेड टाइप की स्कीम रहने वाली है। ओपन एंडेड टाइप की जो इक्विटी स्कीम रहती है, इस टाइप की जितनी भी स्कीम रहती है उनके अंदर आपको ये बेनिफिट मिल जाता है, कभी भी आप इस स्कीम के अंदर एंट्री ले सकते हैं, कभी भी आप एग्जिट कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पे देखिए लिमिट का टाइम बाउंडेशन नहीं रहता, तो कभी भी आप अपने फंड यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं और कभी भी आप अपने फंड यहाँ पे जमा कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा वो हेल्थ केयर सेक्टर्स के अंदर रहेगा, देन फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर रहेगा उससे रिलेटेड जो भी कंपनियां रहेगी उनके अंदर जो आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया जाएगा। अगर हम लोग इस स्कीम के बेंचमार्क की बात करें तो बीएससी हेल्थ केयर टीआरआई इसका बेंचमार्क रहेगा। तो जो भी आपके रिटर्न्स रहेंगे, जो भी आपके स्टॉक रहेंगे वो इसी के हिसाब से जो है यहाँ पे पिक किए जाएंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हमें इस एनएफओ से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां रहेगी टॉप लेवल की उनके बारे में बताया जाता है। तो सबसे पहले हमें सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज देखने को मिल जाता है, उसके बाद हमें सिप्ला देखने को मिल जाता है, उसके बाद हमें डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज देखने को मिल जाता है, उसके बाद हमें डिविस लेबोरेटरीज देखने को मिल जाता है, उसके बाद हमें मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड देखने को मिल जाता है। जैसे हम यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इस एनएफओ से रिलेटेड हमें और इम्पोर्टेंट डिटेल्स बताई जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट के अंदर या डिटेल्स के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पे जो स्कीम ऑफर की जा रही है वो पीजीएमआई इंडिया हेल्थ केयर फंड के द्वारा की जा रही है। अभी के टाइम में आप अगर आप ऑफर प्राइस देखेंगे 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से यहाँ पे हमें ऑफर मिल रहा है। स्कीम आप टाइप देखेंगे तो ओपन एंडेड टाइप की स्कीम रहने वाली है। स्कीम की ओपनिंग डेट की बात करें तो 29 नवंबर से स्कीम स्टार्ट हो चुकी है। क्लोजिंग डेट जो रहेगी 3 दिसंबर 2024 रहेगा। अगर आप इस एनएफओ के अंदर अप्लाई करते हैं तो जो आपकी एनएवी का अलॉटमेंट रहेगा वो 6 दिसंबर 2024 को आपको कर दिया जाएगा। कैटेगरी टाइप की बात करें तो एक सेक्टर टाइप का फंड रहने वाला है, यानी फार्मा सेक्टर से आपको फंड देखने को मिल जाएगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें एनएफओ टाइम पीरियड के अंदर तो 5,000 रुपए से आपको अपना जो है जर्नी यहाँ पे स्टार्ट करना होगा। स्कीम के अगर हम लोग बेंचमार्क की बात करें तो बीएससी हेल्थ केयर टीआरआई इसका बेंचमार्क रहेगा। तो जो भी आपके रिटर्न्स वगैरह रहेंगे वो इसी हिसाब से जनरेट होंगे, जो भी स्टॉक यहाँ पे पिक किए जाएंगे वो इसी बेंचमार्क के हिसाब से जो है यहाँ पे डिसाइड होने वाले हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमें और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जिट रोट की अगर हम लोग बात करें तो 0.50 इसका एग्जिट रोट रहेगा। अगर आप अपने फंड विड्रॉ करेंगे 90 डे के पहले, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अभी के टाइम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपए रहेगी, उसके बाद अगर आप अपने SIP करना चाहते हैं तो मिनिमम आप 1,000 रुपए से अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम का यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, बट मिनिमम आप देखेंगे तो 1,000 रुपए से जो है आपको अपना जर्नी यहाँ पे स्टार्ट करना होगा। यहाँ पे हम नीचे आते हैं तो हमें एसेट एलोकेशन के बारे में बताया जाता है, यानी किस टाइप का एसेट एलोकेशन के अंदर फंड मैनेजर जो हमारा पैसा जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो 80% से लेके 100% तक जो पैसा रहेगा वो हमारे बेंचमार्क के हिसाब से इन्वेस्टमेंट होगा। फिर भी अगर फंड मैनेजर को लगता है कि जो उनके इन्वेस्टर है उन्हें कहीं और से अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, उस केस में आप देख सकते हैं जो इक्विटी एंड इक्विटी से रिलेटेड कंपनीज रहेगी उसके अंदर 0 से लेके 20% तक फंड मैनेजर्स इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। इसके साथ ही जो डेट और मनी मार्केट रहेगा या जो रेपो रेट रहेंगे थर्ड पार्टी, उसके अंदर भी फंड मैनेजर्स आपका 0 से लेके 20% तक इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपके फंड मैनेजर्स को पता चलता है कि जो RETIs और NVTIs रहती है उसके अंदर उन्हें अच्छी सी अपॉर्चुनिटीज नजर आती है 0 से
लेके 10% तक इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। इसके साथ ही फॉरेन सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग ओवरसीज ETFs तो फंड में इसको लगता है तो 0 से लेके 20% तक आपका जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए वो यहाँ से फंड विड्रो करके इन स्कीम के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो मुझे लगता है एसेट एलोकेशन के बारे में आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होगी। यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें उन फंड के बारे में बताया जाता है जो हमारे पैसे को मैनेज करेंगे, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, ये लोग यहाँ पे जो है डिसाइड करेंगे। यहाँ पे देखिए अभी इस वीडियो के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि अगर हम इस एनएफओ के साथ जाते हैं तो हमें कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इस बेंचमार्क के जो रिटर्न देखेंगे तो 3 महीने में 8.5% से ज्यादा के रिटर्न, 6 महीने में देखेंगे तो मोटा मोटी 40% तक के रिटर्न, 1 साल में आप देखेंगे तो 61% से ज्यादा के रिटर्न, 5 साल में अगर आप देखेंगे तो 28% से ज्यादा के रिटर्न, 10 साल के अगर आप रिटर्न देखेंगे तो 12.5% के रिटर्न। तो अगर आपका लॉन्ग टाइप का विजन है तो ऑलमोस्ट 12 से लेके 14% तक के आपको यहाँ पे रिटर्न मिलेंगे। अगर आप इस बेंचमार्क के साथ और इस स्कीम के साथ जाते हैं तो आपको भी कुछ इस तरीके के रिटर्न यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे आप नीचे थोड़ा आते हैं तो यहाँ पे देखिए हमें कुछ और इम्पोर्टेंट डिटेल्स बताई जाती है, जैसे कि जो आपका रजिस्ट्रार रहेगा वो कौन रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपफिनटेक इंडिया आपका रजिस्ट्रार रहेगा अगर आप इस एनएफओ के अंदर अप्लाई करते हैं, और अगर आपको अलॉटमेंट यहाँ पे मिल जाती है तो जो आपका एनएबी का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से जो आपको रहेगा। तो जो भी आपकी एनएबी रहेगी ये आपका जो रजिस्ट्रार है आपके डीमेट अकाउंट के अंदर जो भी आपके एनएबी वगैरह रहेगी उसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है इस एनएफओ से रिलेटेड आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है या कुछ चीजें आपको नहीं समझ आ रही तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा जनरल रिप्लाई देने की। चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।